नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एवेंजर्स का 20th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डूम अचानक से एवेंजर्स से पंगा लेता है और कहीं पर गायब हो गया था, तो वही दूसरी ओर ब्लैक पैंथर मेरिडियम के अंदर फंसे लोगों को बचाने जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम जोन 14 दिखते हैं जहां पर कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी पहला आदमी दूसरे से कहता है, मैंने तुमसे कहा था हमें लॉयलिस्ट इलाके में नहीं जाना चाहिए। जिस पर दूसरा आदमी कहता है, ये लॉयलिस्ट फूड डिस्पेंसर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ आना था। जिस पर पहला कहता है कि अब 2 साल हो चुके हैं अपराइजिंग होकर, और लॉयलिस्ट बनने से अच्छा है मैं स्ट्यूपॉट बन जाऊँ। ये कहते हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे कुछ गार्ड्स लगे हुए थे, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है। ये देखकर दूसरा पहले से कहता है, रुको मत उठो, लेकिन वो आदमी चलने की हालत में नहीं था। लेकिन तभी उन दोनों को बचाने के लिए वहां पर ब्लैक पैंथर आ जाता है, जो आते ही इन गार्ड्स पे हमला कर देता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि आपको ये समझना होगा कि अपराइजिंग के पहले यहाँ पर एक पावर हुआ करती थी और वो थी मेरिडियम। उसने हम सबको अगवा किया और हमें उसका कैदी बनाया। हम में से कुछ यहाँ के ट्रस्टी बन गए और कुछ गार्ड्स और कुछ वार्डन्स बन गए, और रही बात बाकी लोगों की तो उन लोगों को कैद किया गया। लेकिन फिर अपराइजिंग हुआ। एक दिन अचानक से मेरिडियम चुप हो गई, जिसके बाद ट्रस्टी को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं था, और यही वो समय था जब सारे कैदियों ने क्रांति छेड़ दी। ये सारे हालातों को ही अपराइजिंग कहते हैं। ये कहते हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जिसने उन सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें वे लोग ही ब्लैक पैंथर को बता रहे थे। तभी वे लोग ब्लैक पैंथर से कहते हैं कि यहाँ अब 2 साल हो चुके हैं। जिस पर टचाला उन लोगों से कहता है, मुझे यहाँ आए हुए बस 2 महीने हो गए हैं। ये सुनते ही उनमें से एक टचाला से कहता है, यहाँ पर समय बहुत तेज चलता है। यहाँ पहले ही एक पावर थी, लेकिन अब ट्रस्टीज और लॉयलिटीज हो गए हैं जो मेरिडियम के लिए काम करते हैं। हमने इन लोगों के खिलाफ क्रांति छेड़ी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए और हमने फ्रैक्शंस तैयार कर दिए जिसमें हर एक का अपना बॉस है, और फिर हम लोग आपस में लड़ाई करने लगे। हम ये लड़ाई जीत सकते थे, लेकिन हमारी आपसी लड़ाई ने ही हमें हरा दिया। फिर सब कुछ सुनने के बाद टचाला उन लोगों के साथ कहीं जाने लगता है। तभी वे लोग टचाला से पूछते हैं कि क्या एवेंजर्स ने मेरिडियम को कैद करवा दिया। जिस पर टचाला कहता है, हाँ ये सच है, और उसके साथ पूरी एशियन कंपनी भी कैद है, इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों को बचाने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, बस मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। जिस पर वो आदमी टचाला से कहता है, तुमने कभी सोचा है हम यहाँ बाहर निकलने की जगह लड़ाई क्यों कर रहे हैं? उसका जवाब ये है कि हम में से कोई भी बाहर निकल नहीं सकता है। यहाँ पर जो कैदी है उन्हें बायोलॉजिकली अल्टर करके यहाँ का बना दिया है, जिसके कारण वो अगर बाहर भी गए तो भी कुछ दिनों में मारे जाएंगे, इसलिए अब हमारे पास यही जगह है रहने के लिए। जिस पर टचाला उन लोगों से कहता है, ठीक है, अगर यही पर तुम रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये जगह ठीक करनी होगी। जिस पर वो आदमी पूछता है, ये तुम करोगे कैसे? हम स्कैवेंजर्स हैं, ना कि वॉरियर्स। तुम भले ही एवेंजर हो, पर तुम यहाँ अकेले हो। जिस पर टचाला कहता है, मैं हूँ ब्लैक पैंथर वकांडा से, और मुझे एक मौका दो ये साबित करने का। ये कहते हैं टचाला ब्लैक पैंथर बन जाता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम वार्ड 3 गैंग देखते हैं जहाँ पर ब्लैक पैंथर आ जाता है। तभी वहाँ के गार्ड टचाला को रोकते हैं और कहते हैं, तुम बहुत पास में आ गए हो, ये वार्ड 3 गैंग का इलाका है, तो तुम्हारे आने का कारण बताओ। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, मैं हूँ ब्लैक पैंथर, और तुम भूल रहे हो कि ये पैंथर गैंग है, और मैं यहाँ तुम्हारे ओथ ऑफ एलिजेंस को जमा करने आया हूँ ताकि हम काम कर सके। जिस पर उन गार्ड्स में से एक टचाला से कहता है, तुम्हें क्या हम पागल दिखा देते हैं? ये कहते हैं वे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी ब्लैक पैंथर उन पर हमला कर देता है और उन दोनों को ढेर कर देता है, और फिर अंदर उस इलाके में चला जाता है। तभी ब्लैक पैंथर अंदर आके सबसे कहता है, वार्ड 3 के लोग, ब्लैक पैंथर तुम्हें बुला रहा है, तो कहाँ है तुम्हारा मालिक? मैं यहाँ अभी इसी समय तुम्हें चुनौती देता हूँ, तो क्या कोई है जो मुझसे लड़ाई कर सकता है? ये सुनते ही एक आदमी अपनी कुटिया से बाहर आता है,
और कहता है, चुनौती वो भी किस क्लाउड ने दी? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, मैं यहाँ इस गैंग को रेस करने आया हूँ, तुम्हारे लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इन्हें अपना योद्धा बनाऊंगा। ये सुनते ही वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा, मेरे गैंग को नया लीडर चाहिए? जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है, तुमने यहाँ कमजोरों को मजबूर करके रखा है और उन्हें खाना तक नहीं देते, तुम और उन लॉयलिस्ट में कोई फर्क नहीं है। ये सुनते ही उस लीडर को गुस्सा आता है और वह ब्लैक पैंथर पे हमला करता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसके वार को डॉच करता है और फिर उसके वार को रोकते हुए एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन वो लीडर पुनः ब्लैक पैंथर पे हमला करता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसके हमले को घुमा के उल्टा उसे ही मारता है और फिर उस लीडर का सर धरती में घुसा देता है और फिर उसे विवश करता है हार मानने के लिए, जिसके कारण वो लीडर बेहोश हो चुका था। यह देखकर ब्लैक पैंथर सबसे कहता है, ये गया, अब चलो मेरे नाम से बुलाओ। ये कहते ही वहां के सारे लोग ब्लैक पैंथर को अपना नया मालिक मान लेते हैं। तभी वे दो लोग फिर से टचला से मिलते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारे पास एक गैंग है और तुम अकेले क्यों कर रहे हो? एवेंजर्स को यहाँ बुलाओ, अगर तुम लोगों ने मिलकर एशियन कंपनी को हराया है तो तुम लोग इन्हें आसानी से हरा सकते हो। जिस पर टचला उस आदमी से कहता है, तुम्हारा कथन सही है कि तू यहाँ पर समस्या लॉयलिस्ट नहीं है, अगर एवेंजर्स ने इन लॉयलिस्ट को यहाँ से निकाल भी दिया तो भी तुम लोग वैसे ही रहोगे जैसे हो। तुम लोग अलग अलग जगह से आए हो और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक होने का अधिकार है और इसीलिए इन गैंग्स का एक होना आवश्यक है, तो ही तुम सब लोग आजाद हो पाओगे। फिर उसके बाद हम जोन 14 देखते हैं, जहाँ पर वे दो लोग आ जाते हैं और जानबूझकर वहाँ के गार्ड्स को दिखाते हैं कि वे लोग वहाँ पे हैं और भाग जाते हैं, जिसके कारण वे गार्ड्स उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे इन गार्ड्स को रोकने के लिए। और तब ब्लैक पैंथर उन लोगों के लीडर पर हमला करता है और फिर उसे मार डालता है, जिसके कारण वो जोन भी अब ब्लैक पैंथर के कंट्रोल में आ चुका था। और तब ब्लैक पैंथर ऊंचाई पे चढ़ के अपना पैंथर वाला झंडा लहराता है। एंड दैट्स इट, ये इशू ये कंटिन्यू होता है।